हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बिट मैनिपुलेशन पे तीसरे वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के जो बचे हुए दो ऑपरेटर थे इनके बारे में। सबसे हम लोगों ने पहला ऑपरेटर कौन सा पढ़ा था इसमें, एंड, फिर जोर और नॉट, ये चार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। बट यहाँ पे दो बचे थे, कौन से? लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो इन्हीं दोनों को हम लोग देखने वाले हैं कि इनको कैसे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग किस तरह से बाइनरी नंबर्स में लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। हम लोग का यही समझना आज का टास्क है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके समझेंगे होता क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अगर आपके पास अगर बैठेगा वो आके, मान लो कुर्सियाँ नहीं, तो आपसे क्या कहेगा कि भाई इतना थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का भी है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट राइट शिफ्ट का भी है। तो समझते हैं होता क्या है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है, मैंने कहा भाई मेरे पास एक एन है, एन वैल्यू पड़ी है 4, तो मैंने कहा भाई 4 का बाइनरी क्या होता है? तो आपने बोल दिया तुरंत भाई 4 का बाइनरी होता है आदर्श 100। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो 4 का बाइनरी है, इसको आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है एक टाइम। लेफ्ट शिफ्ट वन टाइम करने का मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। 4 का बाइनरी क्या था? 100, ठीक है? तो अभी हम कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमने तीन जो बॉक्स बनाए, इसको बड़ा करके 8 बॉक्स बना लेते हैं ना, थोड़ा सा मतलब बड़ा कर लेते हैं। क्योंकि देखो, बिट्स जो हैं इनको हम टोटली अगर 8 बॉक्स में अगर दिखाएंगे तो हमारा ज़्यादा सही रहेगा। इसका रीज़न भी हम आपको देंगे। देखो, टोटल हम लोग के जो कंप्यूटर में बोला जाता है कि 256 कैरेक्टर होते हैं प्रिंटेबल, ठीक है? इन 256 कैरेक्टर के लिए एक एस्काई वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है? ये क्या होता है, 0 से लेके 255 तक हर एक कैरेक्टर को हम लोग कुछ नंबर देते हैं, ठीक है? अब बताओ, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 255 तक, तो इसमें 255 का हम लोग का बाइनरी क्या होगा? 255 का बाइनरी क्या होगा? तो मतलब अब यहाँ पे वो मैक्सिमम कितने बिट्स में हम लोग को, हम 255 का बाइनरी यहाँ पे शो कर सकते हैं, कितनी बिट हमें लगेंगी, ये पता करने के लिए हम कैसे पता करें, तुम बताओ। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि मेरे पास 1 का बाइनरी क्या होता है 1, 2 का बाइनरी होता है मेरे पास 10, 3 का बाइनरी होता है मेरे पास 11, ठीक है? ऐसे ही 4 का बाइनरी होता है मेरे पास 100। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या भाई? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये 255 अगर आया तो ये सब 2 की पावर में ही तो चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 2 की पावर 8, मतलब 2 बिट्स का यूज़ करके अगर मैं 8 बॉक्स बना लूँ, तो मैं आराम से 256 कैरेक्टर्स को शो कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे मुझे 1 का बाइनरी लिखना है, तो 1 का बाइनरी कैसे लिखोगे? 1 का बाइनरी 1 और बाकी जगहों पर 0 भर दोगे, समझ रहे हो? तो 8 बिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी बाइनरी नंबर को। तो अपना ये सीन हो गया, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे 100 की ना, 4 के बाइनरी की। तो 4 का बाइनरी कितना होता है? 100। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 का बाइनरी होता है यहाँ पे 100, और बाकी सारी बिट में 0 पड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे 0 पड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब देखो, जो हमारा यहाँ पे बाइनरी आया, अब हमें इसमें लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। लेफ्ट शिफ्ट क्या कहता है, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे आपको एक्सप्रेशन लिखना बताना पड़ेगा कि हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, और तब हमें बताएंगे कि इसमें होता क्या है। देखो, हम लोग को कंप्यूटर में क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को ये नहीं लिखना है कि 100 और फिर लेफ्ट शिफ्ट और फिर 1 या 2 या फिर जो भी नंबर हम यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है? हम लोग को वहाँ पे लिखना पड़ेगा सीधा 100 का, हम लोग को बाइनरी में नहीं बदलना है, हम लोग सीधे लिखेंगे 4 लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पे 2 लेस देन का साइन होता है, 4 लेफ्ट शिफ्ट, मैंने कहा 2 या फिर 3 या फिर जो यहाँ पे कोई नंबर होता है, ठीक है? तो एक चीज़ तो हम यहाँ समझ गए कि रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, हम लोग उसको बाइनरी में बदलने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी ऑपरेटर हो, उसको लगाने के लिए आपको नंबर को बाइनरी में नहीं बदलना है जब आप उसका यूज़ कर रहे होगे, वो अपने मन से बदल जाएगा। तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है 4 लेफ्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब जो 4 का बाइनरी है उसको 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है? 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो 0 है ये इधर आ जाए, 2 टाइम इधर खसक जाए, ये 0 2 टाइम खसक जाए, मतलब ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। अब बात हो गई कि भाई और बाकी सबका क्या, ये सब कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इन सब का पता नहीं। तो ये सब 0 है ना, इनसे मैं मतलब ही क्या है, तो चाहे गिर जाएंगे पीछे जाके, ठीक है? तो हमारे नंबर किस तरह से चेंज हो जाएंगे भाई? मैं क्या कहता हूँ कि जो हमारा, मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर से बताता हूँ। जो नंबर चेंज हो रहा है मैं उनकी पोजीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 0 उठ के इधर आ गया, तो मतलब यहाँ पे मेरा हो गया 0, ठीक है? और यहाँ पे ये 1 था, ये 1 उठ के यहाँ आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है? ये जो यहाँ पे काफ़ी मुझे काटना आटना पड़ जाएगा, ठीक है? ऐसा कहते हैं, देखो मैं इधर से राइट से लेफ्ट की ओर लेता हूँ, ठीक है? ये कह रहे हैं ये 0 उठ के यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे आ गया ये वाला 0, ये आ गया, ठीक है? अब ये जो यहाँ पे 0 है,
ये उठ के यहाँ पे वन नहीं था, ठीक है, मैं इसको ये हटा दे रहा हूँ। ये पहले क्या था, जीरो था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो जीरो था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये जो जीरो था इधर भी, यहाँ डिफॉल्ट वन है, मतलब मैं शुरुआत से बिल्कुल पहले ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, वन डबल जीरो ये है। अब मुझे शिफ्टिंग करनी है, तो ये जो जीरो है ये यहाँ वाले जीरो से ये उठ के जीरो इधर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं मान लो कह देता हूँ, अच्छा ये चला गया, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, देखो ये उठ के इधर गिर रही, तो ये जीरो है तो ये भी जीरो, चलो यहाँ ये हो गया और ये वैल्यू यहाँ से चली गई। फिर अच्छा मैं और क्या कर रहा हूँ, ये जो ये वाला जीरो है ये उठ के इधर आ जाए, ये इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से ये वाला चला गया। फिर ये जो वन है ये उठ के यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ गया, और ये वन जो है यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जीरो उठ के इधर आ जाए, तो मैंने क्या करा है, जीरो उठ के यहाँ कर दिया और ये जीरो को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इसके बाद अब ये जो आखिरी वाला जीरो है ये भी उठ के इधर आ जाए, तो यहाँ पे ये आ गया जीरो और ये खुद हट गया। अच्छा तो अब ये दो डिब्बे खाली रहेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, तो वैल्यूज क्या होंगी, मैंने कहा जीरो जीरो ऐड और ऐड कर दो, ठीक है। तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, दो टाइम शिफ्ट करा, मतलब हर एक बिट को हम लोग दो दो कदम खसका देंगे अपने लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने बोला लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा बट अभी हमारा नंबर क्या बन गया, देखो लेफ्ट वाले जो जीरो होते हैं इनको हम नहीं देखते, इनसे मतलब नहीं होता है। हमारा नंबर क्या बन गया, वन वन टू थ्री फोर, हमारा ये बाइनरी बना है। किसका बाइनरी होता है, 1 2 4 8 16, 16 का बाइनरी होता है। तो हमारा नंबर क्या बन चुका है, 16। तो 4 से हमारा नंबर 16 बन गया। इसका मतलब ये हुआ क्या, देखो एक चीज़ तो पक्की थी ना कि जब हमारा 100 था, 100 मतलब किसका बाइनरी, 4 का बाइनरी है, ठीक है। और अभी मेरा बन चुका है 16, मतलब 1000, 10000 सॉरी, ठीक है, 10000, ये हमारा बाइनरी बन गया। तो ये बताओ कि अगर मेरा वन, अगर मैं अपने वन को जो पहले 100 था, नहीं उस वन को पकड़ के मैंने अगर लेफ्ट साइड पे घसीटा है, तो मेरा नंबर बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, देख लो नंबर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया है। और कोई नंबर कब बड़ा होता है, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई होता है तो सवाल ये कि भाई मल्टीप्लाई किससे होता है, क्या वो दो से मल्टीप्लाई होता है क्या, नहीं, दो से मल्टीप्लाई होता तो मेरा आंसर 8 आना चाहिए था, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर ये वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 लेफ्ट शिफ्ट के कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, उसको हम के टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा इसका मतलब है क्या, ये है 4 × 2 की पावर k, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 4 की नहीं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 8 की, अब 8 × 2 की पावर 6 निकालना है मुझे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो या तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 8 × 2 की पावर 6, जब आप उसको मतलब कोड को चला रहे होगे, आपको रिक्वायरमेंट आई, या फिर आप वहाँ पे क्या लिख दो, 8 लेफ्ट शिफ्ट 6, तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। बस आपने क्या करा, इसको इस तरह से जब आप लिखोगे, तो पाइथन में किस तरह से इसको लिखते हो आप, वहाँ पे तुरंत यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर लोगे, तो ना मैं बताता हूँ क्या यूज़ कर, आप यहाँ पे लिखोगे 8 × 2 * * 6, ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिखोगे। अच्छा इसकी जगह मैं अच्छा से रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ तुम्हें, लेफ्ट शिफ्ट का क्या लिख दोगे, 8 लेफ्ट शिफ्ट 6, इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, कि मान लो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट में ही, हम लोगों ने दो बार लेफ्ट शिफ्ट करके देख लिया, अभी ज़रा एक बार वन का लेफ्ट शिफ्ट करके देख लेते हैं, एक एक कर लेफ्ट शिफ्ट करके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लो अच्छा मैं 4 की ही बात करता हूँ, 4 को मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ कि जो मेरा 4 है इसे मैं लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ एक बार, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 4 × 2 की पावर 1, मतलब 8 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो हम लोग पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे 8 बिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने बोला 4, 4 का बाइनरी होता है 100, बाकी जगहों पे 0 पड़ा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसको क्या कह रहे हैं, एक बार सबको राइट शिफ्ट करो, तो ये उठ के ये वाली बिट इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, है ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, और ये वाली गिर के बाहर चली जाएगी, इधर साइड लेफ्ट साइड पर कहीं गिर जाएगी, ठीक है, मैं मतलब नहीं कहाँ जाएगी बट चली गई, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ ये वाला जीरो उठ के इधर आ रहा है, तो चलो इधर आ गया, ठीक है, ये यहाँ से हट गया, फिर ये वाला उठ के इधर आ रहा है, तो यहाँ ये इधर आ गया और ये वाला खुद हट गया, ठीक है, ऐसे ये वाला उठ के इधर आ रहा है, तो मैंने कहा चलो ये इधर आ गया, फिर यहाँ से हट गया होगा, ठीक है। अब ये उठ के इधर आ रहा है,
तो मैंने कहा इधर आ गया 0 और ये खुद हट गया। ठीक है, अब ये 1 उठ के इधर आ रहा है तो 1 इधर आ गया और ये वाला 1 जो है अपनी जगह से गायब हो गया। फिर ये शिफ्ट होके इधर देखो इधर आ रहा है तो ये क्या 0 इधर आ गया और ये 0 यहाँ से गायब हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये 0 उठ के इधर आया और ये वाला 0 यहाँ पर गायब हो गया, क्या ये वाला डिब्बा खाली रहेगा? नहीं, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? 0। तो हमारा नंबर क्या हो गया? हमारा 100 से क्या किस में बदल चुका है लेफ्ट शिफ्ट 1 करने में? 1000 में बदल चुका है। और ये बताओ 1000 किसका बाइनरी होता है? पता कर लो तुरंत। देखो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। अब जिसमें 1 है उसको काउंट कर लो 8, तो 8 ही हमारा आंसर है। मतलब हमारा 4 से आंसर क्या हो चुका है? 8 हो चुका है, जो आना चाहिए था। लेफ्ट शिफ्ट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा राइट शिफ्ट। तो देखो एक चीज़ समझ में आ गई, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हम लोग जब भी अगर कुछ लिखते हैं कि अगर कोई नंबर n उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है k टाइम्स, तो वो होता क्या है? वो होता है n इंटू 2 की पावर k। उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है 2 की पावर k से। बट अगर हम राइट शिफ्ट के बारे में बात करें तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा, राइट शिफ्ट का ऑपरेटर कौन सा होता है? राइट साइड वाला, राइट साइड को एरो बना, तो सिंपल है ना? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं होता क्या है। तो सेम सिचुएशन है कि मेरे पास वही बड़ा सा यहाँ पे 8 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि मान लो 4 है, 4 का बाइनरी कितना होता है सब लोग जानते हैं, 100। अब मैंने कहा कि मुझे 4 को राइट शिफ्ट करना है 1 टाइम, तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो इसको पता करते हैं इसमें लिख के। तो 4 का बाइनरी हमने लिख दिया यहाँ पे 100, और बाकी जगहों पे क्या पड़ा है? ऑटोमेटिकली 0 ही पड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमने क्या कहा, 4 को 1 बिट राइट शिफ्ट करना है। 1 बिट राइट शिफ्ट करने का मतलब ये 0 उठ के इधर गिर जाए बाहर, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये वाला इधर, है ना? बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड पे सब लोग खसा कर रहे थे, अब राइट साइड पे खसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे भरते हैं। तो कैसे भरोगे भाई? अब ये देख लो, मैं क्या कह रहा हूँ सिंपल, कि ये जो 0 है, देखो ये जो 0, ये जो 0 है, ये तो पहली बार तो बाहर गिर गया। ठीक है, फिर ये वाला 0 खसक के किधर आ गया होगा? मैंने कहा इधर आ गया होगा। ये वाला 1 खसक के किधर चला जाएगा? मैंने कहा अपने राइट साइड पे आ जाएगा। ये 0 किधर आ गया? मैंने कहा ये 0 यहाँ से हटा और 0 इधर आ गया। अब ये 0 किधर चला जाएगा? मतलब ऐसे सारे 0 हैं, तो सारे 0 एक एक करके मैं सबको एक साथ बता देता हूँ। ये 4 0 हैं, ये 4 0 एक एक खसक के, तो 1 2 3 4 ऐसा हो गया होगा। अब ये डिब्बा खाली आखिर में, तो यहाँ पर 0 भर दो। तो मेरा नंबर क्या था? 100 था, और अभी वो क्या हो चुका है? 10 हो चुका है। मतलब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 100 से 10 हो चुका है। इसका मतलब ये क्या भाई, ये तो नंबर मेरा क्या क्या हो क्या रहा है? इस नंबर को पता करो, 100 किसका बाइनरी होता है? 4 का, और 10 किसका बाइनरी होता है? 2 का। तो मेरा नंबर 4 से 2 में बदल गया, ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि मेरा नंबर छोटा हो रहा है। जब भी मैं राइट शिफ्ट का यूज़ करता हूँ तो मेरा नंबर छोटा हो रहा है, इसका मतलब मेरा नंबर मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? उस नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। किसके किससे डिवाइड हो रहा है? 2 की पावर 1 से। इसका मतलब 4 राइट शिफ्ट 1 का मतलब क्या है? यह है 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 1। तो या तो आप ये लिख दो, या तो आप 4 राइट शिफ्ट 1 लिख दो। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आप लोग का काम है, आप लोग को एक चीज़ सॉल्व करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है वो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास एक नंबर दिया है 16, 16 को आपको यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 टाइम राइट शिफ्ट करना है, और मुझे बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे दे सकते हो। और मेरे ख्याल से राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ गया, जल्दी से एक बार और जल्दी समराइज कर देते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये। ठीक है, और एक होता है हमारा राइट शिफ्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा? ये। ठीक है, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर हमने लिखा है कि एन लेफ्ट शिफ्ट के, इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया? एन इंटू 2 की पावर के। ठीक है, और वहीं अगर हम लिख रहे हैं एन राइट शिफ्ट के कोई भी वैल्यू हो सकती है, एन कोई वैल्यू हो सकती है, इसका क्या हो जाएगा? एन डिवाइड बाई 2 की पावर k। तो ये जो आपने दो चीज़ें देखी ना, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, यही आगे बहुत भयानक तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप अगले वीडियो का इंतजार करो। कल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे बिट मैनिपुलेशन के एप्लीकेशंस की। तो इनके कम से कम 14 से 15 एप्लीकेशन है, उन सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि भाई उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है।